कन्हैयालाल मेघवाल जो हत्याकांड है उस घटना को 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। पूर्व सांसद राहुल कसवा जो है धरना स्थल पर पहुंचे हैं, उनसे बातचीत 24 घंटे से ऊपर मामले को हो चुके हैं। अभी तक कुछ है जो फैसला है वो सरकार नहीं ले पाई, क्या कुछ होना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही निंदनीय दुर्घटना है ये, और जिस तरीके से कंपनी के कर्मचारियों ने मारा पीटी करी है और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, इसका जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैंने कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय से मैं लगातार संपर्क में हूँ। कल से 4 पकड़े गए हैं, 2 की और डिमांड है अभी, जो मेन जिनको वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे और साथ में जो उनकी भी एक इन्वॉल्वमेंट हम मानते हैं, उन लोगों को भी पुलिस बहुत जल्द गिरफ्तार करने भी लगी हुई है। कमेटी की एक लेवल की मुलाकात अभी हुई है, मीटिंग उनके कलेक्टर साथ, एडिंग साहब के साथ में अभी मेरे कलेक्टर से बात हुई, वो भी आ रहे हैं और जल्द ही कमेटी की जो रिक्वायरमेंट डिमांड है उन डिमांड्स को हम सरकार के समक्ष रख के जितना हो सकेंगे पूरा कराने की कोशिश करेंगे। और जिसके मृत्यु हुई है परिवार का, उनका मुआवजा भी ढंग का मिले और न्याय मिले, सबसे बड़ी बात यह है। और पुलिस प्रशासन जिनकी लापरवाही रही है, इन 8 जो अभी तक जो 8 मांगे रखी थी उनमें से किसी भी मांग पर अभी सहमति बन पाई है? देखिए, एक लेवल ऑफ राउंड ऑफ जो हमारी बातचीत होती है वो हुई है, दूसरा अभी आज उनके बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। कलेक्टर महोदय पहुँच रहे हैं, कमेटी का जो फैसला होगा, कमेटी संतुष्ट होगी तो ही बात को माना जाएगा। जहाँ जरूरत पड़ेगी तो हम राजस्थान सरकार के सरकार से मैं बात करूंगा सांसद होने के नाते, और हम कोशिश करें कमेटी को संतुष्ट करने की बात करें। 24 घंटे से ऊपर इस मामले को, संगीन मामला है, क्या अभी तक सरकार अभी तक देखिए 4 बिल्कुल हुई है। मैं लगातार संपर्क में भी हूं और मेरा यही कहना है कि जिन 4 अपराधियों को पकड़ने लगा, 2 अपराधी की सबसे बड़ी डिमांड है। हम पुलिस प्रशासन को मैंने कल में 10 बार बात कहा है उनको यही कि आप किसी भी हालत में उनको पकड़ कर लाइए, वो सबसे बड़ी प्राथमिकता है हमारी। और साथ में कमेटी का जो फैसला होगा, कमेटी को संतुष्टि कराना बहुत जरूरी है। इसके लिए कलेक्टर महोदय पहुंच रहे हैं, उनकी मुलाकात हो जाए और जो कमेटी की डिमांड है वो सरकार के सामने रखा जाएगा। कमेटी को संतुष्ट करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। जो जनसंघ समिति बता रही है कि जो प्रशासन के रवैये से काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं कि लगभग 10 घंटे तक इस मामले में है जो लिपापोती की गई है, क्या कुछ करना चाहिए? मेरा ये कहना है कि कल भी मुलाकात हुई है, कल भी इनकी बातचीत हुई है, एसपी महोदय भी कल यहाँ पे थे, एडीएम महोदय भी कल यहाँ पे आए हुए हैं, बातचीत हुई है, आज कलेक्टर महोदय पहुंच रहे हैं। जहां जरूरत पड़ेगी, जहां इंटरवेंशन लगेगा, जहां अगर कमेटी संतुष्ट नहीं होगी, जहां तक जाना पड़ेगा एक सांसद होने के नाते मैं उससे जाऊंगा। तो श्रीमान राहुल कसवा का कहना है कि जो मामले को 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं और लगातार उनकी बातचीत और सरकार से बातचीत जारी है, आप जुड़े रहें हमारे साथ।